बात बता की okay, stop. Pull it fast, come on. जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के How was your experience? Hey guys, तो अभी लंच हो गया, शूट नहीं करा आप कहीं को बोले तो फोन स्विच ऑफ हो गया था मालूम ना, मोबाइल से व्लॉगिंग करते ये परेशान है रहते। एग राइस, फ्राइड राइस, नॉन वेज राइस, गाय भी नहीं था, खाली अंडा था होता। Did you like the food, Vishwas? Yes, I like the food, but I want the tello. Can you arrange it? मालूम हो रहा, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो हम लोग अभी हमारे बस के पास जा रहे हैं, वहाँ से टाउन स्टॉप करते करते क्या अभी कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ लेना बोले तो वहाँ पे ले सकते बोल के बोल रहे। ये दिख रही ना, ये हमारी बस है और बस तो पहले जाके हम लगेज डाल देंगे। लगेज खोल रहे, पावर बैंक उठा लिया वो कहीं को, पावर बैंक में मेरी वाइफ की। हाँ वही रही, छोड़ इसके पास है, ले चंचल के पास है वो, इसमें सारे पावर बैंक है। इसको भी डाल दे गाइस, नाउ इट्स टाइम टू सी द फोटोज टुनाइट डूड, शी इज लाइक व्हिच ग्रुप इज, लेट्स गो गाइस, आई विल शो यू द फोटो, कम हियर, आई विल शो यू वन वीडियो विश्वास व्हाट ही डिड मॉर्निंग, ब्रो इट इज हियर। See, everybody is waiting for washroom. Okay. Our Vishwas boss, VIP service. तो जैसे ही हम लोग बस में बैठे, ये लोग हम ना टाउन को लेकर गए, थोड़े लोग स्नैक्स लिए, कोल्ड ड्रिंक्स लिए, कहीं को बोले तो जो हमारा रिसोर्ट है टाउन से पूरा 10 किलोमीटर बाहर था, हम लोग फिर वापस नहीं आ सकते थे, तो सब लोगों को जो कुछ भी होना था तो सब कुछ ले लिए एंड बाद में रिसोर्ट को गए। रिसोर्ट को जाने के बाद स्विमिंग पूल में खेले, थोड़ा मस्ती करे एंड उसके बाद थक हो गए थे तो जाके थोड़ी देर आराम करे और बाद में पूरा शाम हो गई थी। और इसके बाद डिनर का टाइम हो गया था तो सब लोग डिनर कर लिए और बाद में कैंप फायर स्टार्ट हुआ तो कैंप फायर में जो भी हमारा ग्रुप था बैठे चिट चैट करे, थॉट्स एक्सचेंज कर लिए और एक दूसरे से दोस्ती करे, थोड़े गाने गाए, मैं भी एक दो तीन गाने गाया। और उसके बाद ट्रैवल एजेंसी वाले लोग प्री न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना बोल के केक कट करे और बाद में क्रैकर्स बर्स्ट करे। और उसके बाद पूरे लोग थक हो गए और जाके सो गए। गुड मॉर्निंग, तो टुडे इज 31st ऑफ दिसंबर, कल पूरा मजे करे रात को,
एंड बाद में थक हो गए थे, पूरा अंडे हो गए, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू प्लेस। अभी हम लोग बस में अपना लगेज रख रहे, तो अब चंचल जुनैद गुड मॉर्निंग, फुल कोल्ड लग गए हैं। ब्रेकफास्ट दे रहे क्या रहे? ब्रेकफास्ट दे रहे क्या दे रहे मालूम नहीं, फिर 80 केजी दूध में 1 केजी क्या रहे रता सो, 80 केजी पानी, 80 लीटर पानी 1 लीटर दूध। 20 मिनट में निकलना बोल के बोल रहे, घंटे से अभी नहीं निकाल रहे बस। अरे रुक रे, मैं रख दूं दो जिसे तो गंदी हो गया। चलो गाइस लेट्स गो। What's up guys, how are you all? Hi, good morning Vishwas. Good morning. You all woke up? You all woke up? It's a new rise, sorry, new sun. Let's go for Gokana beach today. Gokana beach. Gokana beach. Now 3 hours of sleep again in the bus. A few hours later. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 11 बज रहे अभी तक, चल रहे बिजली दिल उड़ा उड़ा। क्या सीन है ए आई लाख साथे का एंगल दे रहा है, एंगल करता ही नहीं वाला मामला करता होता है, जब बिना होते दिखा होते काम लगता है अल्लाह। Hey guys, we are at the Gokarna Om Beach. अभी लंच भी कर लिया, मैं दिखा सकता था, भूख ऐसी लग रही कि शूट करने मनीष नहीं बोल रहा, पहले खाले ना बोले मन कर रहा था। कहीं बोले तो मॉर्निंग 7 o'clock से ट्रैवल कर रहे हैं एंड बहुत भूख लग रही थी। लंच करने के लिए 1 hour वेट किया ब्रो। हाँ, if you guys come to Om Beach then please find another restaurant here or have and come. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. For the first time I'm coming to this Gokarna. बहुत अच्छा है ये, सबसे दूर समंदर के किनारे। इट इज़ वेरी गुड टू बी हियर, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। बट उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, लाइक न्यू ईयर के जैसा दिख रहा है इसने। आई डोंट नो व्हाई, न्यू ईयर बोले तो थोड़ा ज़्यादा क्राउड रहता बोल के समझा, बट देर इज़ नो क्राउड एट ऑल। जेट स्की है वहाँ पे, बोट निकल के जा रही, एंड थोड़े लगा फोटोज ले रहे हैं कपल्स, देखो देखो यार खानी बन रहा, खानी बन, खानी बन। थोड़े कपड़े वो ये सब कुछ स्टॉल डाल के है। बेलपुरी ऐसे खा लेके फिर ने विश्वास और वो लोग खेल रहे वहां पे। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? ಮ್ಯಾಮ್ 2023 ಲಾಸ್ಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಡಿ, 2024ಗೆ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಅನ್ಬಿಡಿ.
जैसे ही सनसेट खत्म हो गया हम लोग अब बीच के पास गए और वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, तो वहाँ पे जाके खूब डांस करे। डांस करते करते ऑलमोस्ट टाइम 12 हो रहा था, तो उस पार्टी से पूरा बाहर निकल गए और लैंटर्न जलाने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए। मैम यू लाइट गुड मॉर्निंग। कल पूरा सेलिब्रेशन के बाद 2 बजे छोड़े एंड अभी यहाँ पे चित्रदुर्गा के पास रुका है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ से और 5 घंटे का रास्ता है, मॉर्निंग ट्रैवलिंग करना बोले तो नहीं हो रहा। बस भी स्टार्ट हो रही है अभी, तो अभी बेंगलुरु के लिए। न्यू ईयर का व्लॉग तो इतने दिन के बाद मेरा व्लॉग आया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लाइफ में थोड़े ऐसे चीज़ें रन हो रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हो गया, टाइम निकालने भी नहीं हो रहा। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। वो लोग मेरे को हर वक्त पूछते रहते कब आ रहा नेक्स्ट व्लॉग, कहीं को नहीं डाल रहा तो वो ये बोल के, इतना लेट डाले तो कैसा, इतना गैप कहीं को आ रहा वो ये बोल के। बात रही एडिटिंग की, इतने दिन तो नॉर्मली रील्स ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल में एडिट करते रहते थे, बट दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, इसमें पूरा अलग रहता। एक के बाद एक वीडियोस बैक टू बैक में एडिट कब भी नहीं करा। मोबाइल में तो नॉर्मली ऐसे ही एडिट करना था, बट लैपटॉप में एडिट करना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे ही नॉर्मली वीडियो एडिट करके बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल के ऐसे ही अपलोड कर सकता हूँ, बट वो देखने के लायक नहीं रहता। आई वॉन्ट माई वीडियोज टू बी वेरी अट्रैक्टिव। अगर से नॉर्मली मैं चल के जा रहा हूँ, वो चल के जाने को भी बहुत अच्छे से दिखाना, तो दिस इज वॉट आई थिंक। तो वो एक बिट एडिट करने के लिए बहुत टाइम लगता। ये व्लॉग भी एडिट करने के लिए बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो है ये। बहुत सारे वीडियो अभी बाकी है अपलोड करने के लिए, एडिटिंग भी करना, थोड़ा आधे आधे एडिटिंग करी हूँ, आधे आधे ऐसे ही छोड़ डाली हूँ। नेक्स्ट एक पेट का व्लॉग आ रहा, वो भी एक आधा एडिटिंग करके छोड़ डाली हूँ ऐसे। आई प्रॉमिस यू ऑल दैट अब से कंसिस्टेंटली रहता हूँ, रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। आई डोंट लेट यू डाउन एंड यस एज यूजुअल वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन माई अपडेट। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मैं रेगुलरली मेरे डेली लाइफ के अपडेट्स वहीं पे डालते रहता हूँ। तो यस, तब तक के लिए आई लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Is this really happening?